Premier League. Manchester United. अच्छा बड़ा अजीब सा गेम वीक गया। जिन टीम से तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और जिनसे तुम एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी गेम की है। बार्सिलोना की एग्जांपल ले लो, अब तुम लिवरपूल और अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की बात करो तो तुम्हें लगता है कि बड़ा हाई इंटेंस गेम होगी, बहुत ही अच्छा मैच होगा, एक्साइटमेंट होगी, बहुत हाई एंड गेम होगी। पहले 20 मिनट तक तो लगा है काफी एंड टू एंड गेम हो रही है, लेकिन उसके बाद तो टोटली वन साइडेड था। हम बात करेंगे बारी बारी, हम कैसेमिरो पे भी बात करेंगे, उसके अलावा हम मैनचेस्टर सिटी पे भी बात करेंगे। वहां तो रोबोट्स खेल रहे हैं, उनका तो समझ नहीं आता सीजन स्टार्ट होता है वो टॉप ऑफ द टेबल बैठ जाते हैं, या तो एंड पे वो ऐसी स्ट्रीक बना देते हैं आराम से, नीचे वाले लड़ते रहते हैं और बहुत आराम से लीग जीत जाते हैं। उसके अलावा मैं रियल मैड्रिड की बात करूंगा, किलियन एम्बाप्पे ने फाइनली भाई गोल मार दिए। उसके अलावा जो एक इंटरनेट पे हम देख रहे थे एम्बाप्पे विनीशियस का आपस में वो जो भी मसले चल रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहले लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की बात करूंगा। काफी एंड टू एंड गेम लग रही थी पहले 20-25 मिनट तक, उसके बाद ऐसा टर्न ओवर हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, वो बॉल लूज कर रहे थे, हर प्लेयर आइसोलेटेड नजर आता स्पेशली कैसेमिरो। मुझे पता है लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको कि बड़ी ज्यादा गलतियां की हैं, उसकी इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से यूनाइटेड हारी है वगैरह वगैरह। यार ठीक है, उसकी बड़ी गंदी परफॉर्मेंस थी, उसने काफी इंडिविजुअल मिस्टेक्स की हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यही बात नहीं अगर तुम इस बात पे कहो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी है इस वजह से, वो मेरे ख्याल काफी गलत होगा। यार आर्ने स्लॉट की लिवरपूल बहुत अच्छा खेली, उनकी वो प्रेसिंग, उनकी वो इंटेंसिटी। लेकिन देखो जर्गन क्लॉप और आर्ने स्लॉट की ना लिवरपूल में मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आता है। फर्क ये आता है, एक इंटरव्यू में उसने खुद भी बताया था, जो प्लेयर्स है ना जर्गन क्लॉप की लिवरपूल में क्या होता था कि प्लेयर्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यूसली रिलेंटलेसली बॉल डाल रहे हैं बिहाइंड, और वो कंटिन्यूसली वो अटैक करी जा रहे हैं, बॉल लूज हो रही है, फिर वो जीत रहे हैं, फिर वो तो काफी हाई इंटेंसिटी गिव वाली गेम होती थी। लेकिन आर्ने स्लॉट क्या करता है, वो भी वही करता है, लेकिन फर्क ये कि वो बॉल को कंट्रोल भी करना चाह रहा होता है, वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता। जारी बात है अटैक्स और वो हाई इंटेंसिटी नजर आती है, लेकिन जब वो फर्ज करो अगर वो 2-0 3-0 अब जा रहे हैं तो वो गेम को कंट्रोल भी करना जा रहे हैं। अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं या कैसेमिरो के ना, पर्सनली मुझे दुख होता है क्योंकि मैंने प्राइम एल क्लासिको देखे हुए हैं, मुझे पता है ये किस कैलिबर के प्लेयर हैं। अब मैं अगर मॉड्रिच क्रूस की बात करूँ, क्रूस तो रिटायर हो चुका है, मॉड्रिच 38 साल की उम्र का है, वो भी बेंच से आता है, वो भी इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहा जो कि वो उस टाइम पे अपने प्राइम टाइम में करता था यार। लेकिन अब मुझे लगता है कैसेमिरो को भी उस टाइप का रोल देख लेना चाहिए, क्योंकि भाई एज एक ऐसा फैक्टर है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उसके अब हर बंदा रोनाल्डो तो नहीं है, अब रोनाल्डो 40 तक उसी तरह परफॉर्म कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कैसेमिरो भी उस तरह परफॉर्म करे। ये चीज़ मेरे ख्याल है कैसेमिरो को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए और उसके मैनेजर को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, बेशक वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यार देखो लालिगा और प्रीमियर लीग में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है इंटेंसिटी का। अब लालिगा में ज़्यादा पेशेंस से फुटबॉल खेली जाती है, प्लेयर्स को टाइम मिल जाता है सोचने का कि हमने आगे किधर करना है, क्या करना है। अब देखो प्रीमियर लीग बिल्कुल उसके उल्टी है, प्रीमियर लीग में बहुत इंटेंस गेम होती है, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, आपको बॉल रिसीव करने से पहले सोचना होता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा वगैरह। अब मुझे लगता है कैसेमिरो, जारी बात है ये तो मैं नहीं कहूंगा कैसेमिरो प्रीमियर लीग में नहीं खेल सकता, ये तो बहुत गलत होगा, लेकिन मुझे लगता है कैसेमिरो की एक एज जो ऐसी है ना कि वो थोड़ा सा स्लो हो गया, वो इतना शार्प नजर नहीं आ रहा। और ये भी है कि यार टेक्निकली मेरे ख्याल टेन हाग ने हाग दी है, और क्योंकि काफी ऐसी सिचुएशंस में उनके काफी ज्यादा प्लेयर आइसोलेटेड नजर आ रहे थे। हम ये भी कहेंगे कि लिवरपूल ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रेस भी किया, लेकिन काफी ऐसी सिचुएशंस में देखो कोबी मैनू चल के आ रहा है, स्पेस नहीं बना रहा आगे से, ना प्लेयर्स कोई मूवमेंट दे रहे हैं। एक ज़िर्क्ज़ी मुझे लगता था कि जो एक अच्छा फॉरवर्ड खेला है जिसकी गेम बड़ी अच्छी थी, वो काफी ज्यादा ऑप्शंस दे रहा था, बैशवर्ड की गंदी गेम मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया वो। उसके बाद गन्नाचो बहुत गंदा खेला है, बहुत गंदी गेम की है उसने, मुझे एक हैरानी हुई कि अमार डेलो क्यों नहीं खेला, क्योंकि जब वो आया तो थोड़ी सी गेम डिफरेंट नजर आई है, थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रंट फुट पे नजर आई है। मेरे ख्याल यहाँ पे लिवरपूल को टोटली क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह वो आर्ने स्लॉट ने उनको सेट किया, उनका गेम प्लान बिल्कुल क्लियर था, कोई डिफरेंट कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं कह रहे, वही चीज कह रहे हैं जो जर्गन क्लॉप करवाता था, हाई इंटेंस गेम होती है लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल के साथ। अब अगर मैं यहाँ पे मोहम्मद सलाह की तारीफ करूँ, भाई इजिप्टियन किंग, उस बंदे के मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ सबसे ज्यादा गोल है प्रीमियर लीग हिस्ट्री में, 7 गोल्स है मेरे ख्याल में लास्ट 3 गेम्स में, तो 3 गोल और 3 असिस्ट है, तो बंदा टोटली डोमिनेट कर रहा है इस फिक्चर को। इसके अलावा अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की बात करूँ, वहाँ तो रोबोट्स खेलते हैं भाई, वहाँ तो इंसान खेलते हैं। अब अल्वारेस छोड़ के गया, तुम सोचते हो कि भाई अल्वारेस के 15-20 गोल होते हैं सीजन में ना, तो तुम कहते हो यार कि उसको वो रिप्लेस कौन करेगा, वो गोल्स कौन लेके आएगा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखो अब उनका फर्ज करो उनका एक मिडफील्डर गया ना, तो वो किसी डिफेंडर को मिडफील्ड में खिला देंगे, क्योंकि भाई वो रोबोट है ना, उनको प्रोफाइल को तुम फर्क नहीं पड़ता कि प्रोफाइल वो ट्रेड से लेते हैं, अब वो कांजी को मिडफील्ड में खिला देंगे, जॉनस्टोन को मिडफील्ड में खिला देंगे, रिको लुइस को मिडफील्ड में खिला देंगे, और वो ऐसा लगेगा भी नहीं कि वो मिडफील्डर नहीं है,
और वो तो ऐसे सीमलेसली वो ऐसा इंटीग्रेट करता है उन बंदों को। वो सबसे बड़ा उसमें एक फैक्टर उनका कोच है, वो किसी भी प्लेयर को कहीं भी इंटीग्रेट करता है, सीमलेसली इंटीग्रेट करता है और फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई कोई प्लेयर आया है कोई गया। तो एंड पे यार मैं बात करूंगा रियल मैड्रिड की। किलियन एम्बाप्पे ने फाइनली अपने 2 गोल मार लिए, अब उसने गोलों का बैग खोल ही लिया है, वो पता नहीं कितने मारेगा। इसके अलावा जो हम क्रिटिसाइज कर रही है इंटरनेट पे कि भाई विनीशियस और एम्बाप्पे की आपस में बनती नहीं है, पास नहीं करते एक दूसरे को, यार ये रियल मैड्रिड है, यहाँ पे गैलेक्टिकोस आपस में खेल सकते हैं तो ये लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो एक दूसरे को पास भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं, सब हो रहा है ऐसा। ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट बिल्कुल ही फारिग है, कोई फायदा नहीं है इसको क्रिटिसाइज करने का। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ फर्स्ट हाफ की, यार बहुत ही गंदा फर्स्ट हाफ और बहुत ही गंदी रेफरिंग। मैं मेरे ख्याल में इस टाइम ला लीगा में सबसे इनकॉम्पिटेंट रेफरिंग हो रही है, उनको पता ही नहीं है क्या फॉल्स देने हैं क्या नहीं देने। अब हम एज अ फैन हम भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये हैंडबॉल है या नहीं है, ये पेनल्टी है या नहीं है। तो मेरे ख्याल सबसे गंदी रेफरिंग इस टाइम ला लीगा में हो रही है, जिसकी वजह से ला लीगा की रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। उसके अलावा मैं अगर रियल मैड्रिड प्लेयर्स की बात करूँ तो पहला बहुत ही गंदा, प्लेयर्स को पता ही नहीं है बॉल के साथ क्या करना है, वो ही एक मसला। टीम में बैलेंस अभी तक नजर नहीं आया, सिबोलस को खिलाया था कि शायद क्रिएटिविटी वो लेके, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं हुआ उसके लाने का। गेम वहाँ पर चेंज हुई जब ब्राहिम डियाज गेम में, यार उस बंदे का इंपैक्ट अच्छा है, वो पता नहीं अजीब सा प्लेयर है, वो 2-3 डिफेंडर्स को एमी काट जाता है, बैलेंस उसका बॉल पर अच्छा है और वो एक गेम में एनर्जी लेके आता है, वो जब आता है ना गेम में एनर्जी आती है। मुझे ऐसा लगता था कि वो स्टार्टिंग लाइनअप भी डिजर्व करता है, लेकिन वो पिछली गेम में मैंने उसको स्टार्टिंग में लाइनअप में भी देखा है, स्टार्ट किया उसने, बहुत ही गंदा खेलता है वो, मेरे ख्याल में पूरा मैच वो अच्छा नहीं खेल सकता, उसका ऑफ द बेंच ही उसका इंपैक्ट अच्छा है। अच्छा इधर मैं क्रेडिट रियल बेटिस को भी देना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेम की है, वो बड़ी इजीली बीट कर रहे थे मैड्रिड की प्रेस को, और लेकिन एक मसला था उनमें वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइडेड जा रहे थे, आप जो कि एक्स बार्सिलोना प्लेयर है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, और उसके अलावा यूरेंटे जो उनका डिफेंडर है वो एक्स मैड्रिड प्लेयर है, तो उसने एम्बाप्पे को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ था, 60-70 मिनट तक तो मेरे ख्याल में उसने एम्बाप्पे को हिलने भी नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फाइनली एम्बाप्पे है भाई, उसको एक मौका मिलेगा तो वो गोल करेगा। तो क्रिएटिविटी का एक मसला मेरे ख्याल में मैड्रिड को बड़ी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आगे सीजन लंबा है, चैंपियंस लीग गेम्स भी आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये इशू बन सकता है। तो उसके अलावा यार आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, अपना ख्याल रखना, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट भी कर देना और काइंडली शेयर भी कर देना। तो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।